हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो अपन टॉपिक कर रहे थे, अपने जो चैप्टर था मैग्नेटिज्म, वो थियोरेटिकली पूरा खत्म हो गया था। आज इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं अपन, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो एक पॉइंट जो अपना रह गया था, वो रह गया था क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर डेफिनेशन तो अपने देखी थी। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जिसपे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में जिस टेम्परेचर के ऊपर कन्वर्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्यूरी टेम्परेचर, है ना। ये अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं देखूँ कुछ मटेरियल्स का क्यूरी टेम्परेचर जो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका मटेरियल लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे TC क्यूरी टेम्परेचर। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है 1394 इन द केल्विन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है 1043। कितना होता है, 1043। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए तो Fe2O3, इसका जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है 893 केल्विन, ओके। इसके बाद जो आता है वो आता है निकेल। निकेल का जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 631 केल्विन, ओके। मेन आपको इन मटेरियल की याद रखते हैं, कोबाल्ट का 1394, सेकंड में द आयरन 1043, Fe2O3 693, निकल का 631। केल्विन में सारे टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर है, ओके। चलिए जी, इसके बाद अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है अच्छा, उसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका जो डोमेन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन बने होते हैं, जो डोमेन है, डोमेन का शेप क्यूबिकल है, ठीक है, यानी ऐसा है, ऐसा ये डोमेन का शेप है, और इसकी जो साइड है ना ए, वो दे रखी है 1 माइक्रोमीटर। This is the size of domain. Okay. अच्छा जी, उसके बाद आपको दिया कि जो ये जो मेटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल, इसका जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास ये रहता है 55 ग्राम, है ना, जो किसका होता है, आयरन का होता है। किसका होता है, आयरन का, ठीक है। तो यानी जो सब्सटेंस है वो आयरन है, मॉलिक्यूलर मास है 55 ग्राम। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल, यानी ये 1 मोल का मास दे रखा है। इसके बाद बेटा आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखी है डेंसिटी, इस मेटेरियल की डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है आपको 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा आपके क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी के बाद आपसे पूछा क्या गया है कि एक डोमेन मैक्सिमम कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर सकता है। मैक्सिमम कब करेगा, जब इसके डोमेन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तब मैक्सिमम डेवलप करेगा। मान लीजिए इसके अंदर ऐसे एन एटम्स हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर रहे थे, और अगर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एन है तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट एम नेट कितना हो जाएगा, N × N। अच्छा जी, आगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखी है 9.2 × 10⁻²⁴ यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ओके। अच्छा चलिए, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है बेटा, कोई खास बात नहीं। वापस से आप क्वेश्चन को पूरा समझिए। क्वेश्चन क्या था कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, है ना, आयरन, जिसके डोमेन का शेप क्यूबिकल है, और
इस क्यूब की जो साइड है वो है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, एक साइड, ओके। ये जो फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल है इसका मॉलिक्यूलर मास 55 ग्राम है, इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, और एक जो मॉलिक्यूल मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेगा वो करेगा इतना, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। आपने पूछा कि बताइए वो मैक्सिमम कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर सकता है और उसके मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू, दो चीजें पूछी आपसे, एक तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एम नेट मैक्सिमम कितना हो सकता है, और दूसरा आपसे पूछा है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन तो होता है कितना है, एम नेट अपॉन वॉल्यूम, दो चीजें पूछिए। तो मान लीजिए एक डोमेन में ऐसे n एटम है, तो एक एटम का आपको दे रखा है कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करता है, तो n कितना डेवलप करेंगे, n m, यानी कुल मिला के आपको ये निकालना है कि इस डोमेन में कितने मॉलिक्यूल्स या एटम आने वाले हैं। चलिए जी, कैसे निकाले, सबसे पहले मैंने देखा कि इस क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम तो हो जाएगा साइड का क्यूब, साइड कितनी रखी है 1 माइक्रोमीटर, यानी 10^-6 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 10^-18 m³, ये तो आ गया वॉल्यूम, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 10^-12 cm³, ये वॉल्यूम हो गया भाई। अच्छा, इतना वॉल्यूम एक डोमेन का है, तो इतने वॉल्यूम में मास कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं मास की, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या आपको डेंसिटी दे रखी है, यस सर 7.9, क्या वॉल्यूम दे रखा है, यस सर 10^-12, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में था इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लिखा है, ओके। ये इतना ग्राम इस क्यूब का मास आ गया, तो आपको साइड रखी तो आपने उससे क्या निकाला, वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया मास, ये इस डोमेन का मास है। अच्छा जी, इस मास में अब मुझे पता है कि मोलिकुलर मास अगर 55 ग्राम है मोलिकुलर मास, और अभी मेरे पास जो मास है वो इतना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे स्मॉल एन, वो होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मास कितना 7.9 × 10^-12, दिस इज द मास अपॉन मोलिकुलर मास यानी 55, ये नंबर ऑफ मोल्स है। अच्छा, एक मोल में कितने एडिटिव्स होती है, एवोगैड्रो नंबर की इक्वल होती है एनए के बराबर, तो इतने मोल में कितनी हो जाएंगी, तो निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इसको मैं आप रफ कर देता हूं, ये अपना काम हो चुका है इसका। अच्छा जी, देखिए एक मोल में इतने एटम होते हैं, तो एन मोल में टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आइडेंटिटीज जो होंगी वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये कितना आया भाई आपका 7.9 × 10^-12, ठीक है, अच्छा अपॉन 55, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 × 10^-23, क्या आपके पास n आ चुका है, यस सर, तो आपका जो n नेट होगा, नेट जो मैक्सिमम हो सकता है, जो सारे सारे एक डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे उस टाइम मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है n इंटू एन एक मॉलिक्यूल का, तो ये कितना हो जाएगा 7.9 × 10^-12 अपॉन 55 × 6 × 23, ये तो हो गया बेटा n, और m की वैल्यू दे रखी थी मैंने मिटा दी वहां से, m की वैल्यू कितनी दे रखी थी 9.27 × 10^-24 शायद ये दे रखी थी, तो ये आपका हो गया इंटू 9.27 × 10^-24, बस कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लीजिए, आप बस एम नेट आ जाएगा, बात समझ में। तो कैसे निकाला, आपको डोमेन का साइज दे रखा था क्या, यस सर, डोमेन के साइज से मैंने डोमेन का वॉल्यूम निकाल लिया, डेंसिटी दे रखी थी तो बेटा मेरे पास मास निकल गया, मॉलिक्यूलर मास दे रखा था इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया तो टोटल आइडेंटिटीज निकल गई, और उसको एक जो मॉलिक्यूल जितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर रहा था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकल गया। दूसरा जो इसका पार्ट पूछा गया था आपसे वो पूछा गया था मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, इसको बस सॉल्व करना है बेटा, कैलकुलेशन कर लेना आप इसके, ना मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एम नेट, क्या एम नेट यहां से निकल आएगा, यस सर, एम नेट अपॉन वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम अभी अभी निकाल रखा है 10^-12, यस सर, तो वॉल्यूम का डिवाइड कर देना आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर, ये क्या है आसपास मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेशन कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ भी नहीं है ना। अच्छा जी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास
इनटू दिस हो गया। अपॉन वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम ये रख देना मीटर क्यूब वाला रख देना क्योंकि इसकी यूनिट आएगी एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्यूब में रखना है तो बेटा ये हो जाएगा एम नेट जो भी आपका आएगा अपॉन वॉल्यूम वहां पर लिखा हुआ है यानी 10^-18 ये आपका मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। ठीक है जी। अच्छा जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का 16 एग्जांपल है भैया। अगला देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे कहा कि एक सोलेनोइड है ठीक है इस सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 है 1000 टर्न पर मीटर ये आपको क्वेश्चन गिवन है इतने टर्न है और इसके अंदर एक मटेरियल फिल अप किया गया है उस मटेरियल का म्यू आर जो है वो है 400 कितना है 400 और इस सोलेनोइड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2 एम्पीयर कितना हो रहा है 2 एम्पीयर। आपसे पूछा गया क्या क्या सबसे पहले पूछा गया आपसे H क्या पूछा गया आपसे H के मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी फिर दूसरे नंबर पे जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया B इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड तीसरा जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया मैग्नेटाइजेशन और चौथा जो पूछा गया वो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये क्या होता है ये थोड़ी देर बाद में बताएंगे। तो भाई सबसे पहले एच की वैल्यू तो एन आई हो जाएगी भाई क्या एन और आई दोनों दे रखे हैं आपको यस सर ये एन दे रखा है ये आई दे रखा मल्टीप्लाई कर लो ये तो हो गया 2000 ठीक। अच्छा ये कितना होता है बी बी होता है म्यू आर इंटू म्यू नोट एन आई भाई सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है अब म्यू आर वाला सकते हैं रखा है तो इंटू म्यू आर हो जाएगा तो आज उसको सोल्व करेंगे देखो म्यू आर की वैल्यू कितनी 400 इसकी वैल्यू कितनी म्यू नोट की 4π × 10⁻⁷ और एन आई तो पूरा ही तो भाई एन आई तो अभी आपने सोल्व किया था ये कितना आ गया 2000 सोल्व कर लो जो भी आंसर आएगा देखो 1, 2, 3, 4, 5 तो भाई आपके जीरो हो गए तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 = 16, 32 और 10⁻⁷ कितना हो गया माइनस का 1, 2, 3, 4, 5 का वैल्यू कितना बचिया 2 इसको आगे सोल्व कर लेना इसको इससे मल्टीप्लाई करना फिर पॉइंट लगा लेना ना ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बी आप समझो बी आ चुका है आपके पास ठीक है। अच्छा एम का क्या फॉर्मूला होता है एम होता है बी अपॉन म्यू नोट माइनस एच तो क्या बी यहाँ से आ चुका है यस सर म्यू नोट आपको पता है यस सर एच आपको पता है यस सर तो एम मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा रख लो भाई वैल्यू ज्यादा करना पूरा करना है तो इसको वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे देखिए एम की वैल्यू बी बी कितना आया 32π × 10⁻², अपॉन म्यू नोट 4π × 10⁻⁷, माइनस एच यानी 2000 दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन सोल्व कर लो पाई से पाई ये हो गया 1 ये 10⁻⁵ बचे ऊपर गए तो +5 हो गए तो 8 × 10⁻⁵ माइनस 2000 कैलकुलेशन चेक कर लेना बाकी सब कुछ सही है ना यहाँ से आपके पास मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा ओके सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है ये यहाँ पे चेक कर लेंगे जीरो बराबर का क्या है क्या बाकी सब कुछ सही है ये आ गया मैग्नेटाइजेशन आपका। उसके बाद आपसे जो लास्ट पार्ट उठवाया है वो है मैग्नेटाइजिंग करंट। अच्छा मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है अगर मैं ये जो सोलेनोइड था ये जो सोलेनोइड था जिसके अंदर एक मेटल फिलप था जिसका म्यू आर था 400 ऐसा फिलप था ना। अच्छा तो मान लीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड टोटल जनरेट किया बी जो आपने निकाला कहीं इतना ना 6, 6 = 4, 4 = 16, 32π × 10⁻⁵5 = -2, 1, 2, 3, 4, 5 हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अगर मैं इसमें से मेटेरियल निकाल दूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा यस सर। अच्छा अब मैंने मैग्नेटिक मैंने क्या किया इसमें से मटेरियल निकाला उसके बाद मुझे सेम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना है तो
तो कितना एडिशनल करंट और इसमें से फ्लो कराना पड़ेगा। जो एडिशनल करंट आपको फ्लो कराना पड़ेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट। क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग करंट। देखो, जो कोर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था वो किसकी वजह से? कोर की वजह से ना। अब बोले कोर को निकाल लें तो, और फिर मेरे को सेम उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, तो कितना एक्स्ट्रा करंट और फ्लो कराना पड़ेगा? दिस एडिशनल करंट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, तो कैसे निकाला भाई? मान लीजिए पहले तो 2 एम्पीयर तो करंट पहले से फ्लो हो रहा था। मान लीजिए उसके बाद आपने आई एम करंट और फ्लो कराया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, अब कोई मेटेरियल नहीं है तो कितना? म्यू नॉट एन आई। अच्छा जी, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या पहले जितना होना चाहिए? यस सर। तो पहले कितना था? पहले था म्यू आर म्यू नॉट आई एन आई, जिसकी वैल्यू भी आपने निकाली थी। चलो वैल्यू लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। कितना हो गया था ये? 32 पाई इंटू 10^-2। अच्छा, अब कितना हो जाएगा ये? 4 पाई इंटू 10^-7। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो गए भाई? 1000। इनटू करंट कितना हो गया? ये हो गया 2 प्लस आई एम। कितना हो गया? 2 प्लस आई एम। ये आई एम करंट फ्लो कराने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये मेटेरियल डालने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो कितना एडिशनल करंट है? आई एम की इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आई एम की वैल्यू निकाल लो भाई। यहाँ से 4 पाई से कट करोगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पे 1, 2, 3, 3 0 ये और 2 0 ये कितने हो गए बेटा? 5 0 हो गए ना। तो यहाँ पे 10^-2 कितना बचा भाई? -2। इस -2 को इधर लिया हुआ तो इधर हो जाएगा 800 = 2 प्लस आई एम। सोल्व कर लेना, आई एम की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 798। इतना एडिशनल करंट चाहिएगा मुझे सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, इतना एम्पियर। ठीक है, अच्छा जी, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के हैं, कुछ एग्जांपल के हैं। ओके, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे कुछ टेढ़ा रखा गया। ठीक है, अच्छा जी, और इसको रखा गया 30 डिग्री पे। कितने पर रखा गया? 30 डिग्री पे। तो भाई 30 डिग्री पर रखा है तो टॉर्क लगेगा, क्योंकि टॉर्क तो सिर्फ दो केस में ही लगता है, जब थीटा 0 हो जाता है या थीटा 180 हो जाता है। तो अभी तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा भाई? mb sin थीटा। अच्छा, अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो b की वैल्यू है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.25 टेस्ला। ये तो किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? बी की। और इसने बोला कि जो इस पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क जो इस पे इसने एक्सपीरियंस किया वो है 4.5 × 10^-2 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिए। ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस एट एंगल 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला, देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क दिस, then what is the magnetic moment of the bar magnet? तो भाई सब चीजें इस फॉर्मूले में तो दे रखा है, देखो 4.5 × 10^-2 ये तो दे रखा है आपको टॉर्क, m भाई निकाल रहे हैं, ये कितना हो गया 0.25 × sin थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 30, और 30 वैल्यू कितनी होगी भाई? 1/2। सॉल्व करने में बस कुछ भी नहीं कर रहा, देखो इसके नीचे 100 लगा दूं। यस सर, 100 लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, 4 × 2 = 8, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो m की वैल्यू आ जाएगी 8 × 4.5 × 10^-2। मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, पॉइंट लगा लेना, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई आपके पास? m की वैल्यू। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं। क्या बोला गया? ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस एट एंगल 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.25 टेस्ला, देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क 4.5 × 10^-2 न्यूटन मीटर, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट? तो सिंपल, सब की वैल्यू रख दीजिए भाई, एम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए भाई? एम निकाल लीजिए, हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 0.32
जूल पर टेस्ला, ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, और ये बार मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो आपको स्ट्रेंथ दे रखी है वो दे रखी है 0.15 टेस्ला, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस बार मैग्नेट को पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा गया, फिर अनस्टेबल में, इन दोनों केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो भाई ये है तो थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो, और ये है तो थीटा की वैल्यू कितनी भैया, 180। आपको बताना भाई पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का मुझे कुछ कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, माइनस का एम बी कोस थीटा, यस सर। तो इस केस में निकालोगे तो माइनस का एन कितना दे रखा है भैया, 0.32 इंटू बी कितना दे रखा है ये 0.15 इंटू कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी है वो आंसर ही आपका कितना हो जाए, 15 × 30 और ये हो गया 45 और 3 48 और जीरो कितने बाद आएगी, 2 2 4 1 2 3 4 0.48 पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरा इसने पूछा जो 180 है, 180 है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम बी माइनस एम बी कोस 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, प्लस 1, सॉरी माइनस 1, ये माइनस 1 इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस एम बी। यहाँ पे आपने प्लस 1 रखा था, ये कितना था, माइनस एम बी, तो माइनस प्लस का ही तो फर्क है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 0.048 जूल। ये भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी अब देखिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार मैग्नेट थी जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था और आपसे पूछा था इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और जब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बोला कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 1.5 जूल पर टेस्ला। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइंड है ना, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही ये बार मैग्नेट आपकी अलाइंड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बेटा वो आपको दे रखी है 0.22 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये है तो ये अलाइंड भी ऐसे ही है, स्टार्टिंग ये दे रखा है, ठीक है। ये आपका हो गया एस, ये हो गया आपका एन, यानी थीटा जीरो है, स्टार्टिंग है, ठीक है। अच्छा जी अब बोला कि इसको, इस बार मैग्नेट को अगर मैं 90 डिग्री पर टर्न करना चाहूं, ऐसे घुमाना चाहूं ऐसे, तो हाउ मच वर्क डन बाई एक्सटर्नल टॉर्क, ये पूछा। तो भाई पहले मैंने देखा इनिशियल जब ये इसके अलोन अलाइन था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इनिशियल, भाई माइनस का एम बी होगी, यस सर, कितनी होगी, माइनस का एम बी। जब आपने इसको 90 डिग्री पर कर दिया तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी भाई, 90 डिग्री पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है बेटा, जीरो, एम बी कोस थीटा होता है ना, कोस 90 वैल्यू जीरो, तो ये फाइनल तो हो रही है जीरो। अच्छा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, देखो नेगेटिव से जीरो होगी, ये जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी ये सारा वर्क किसने किया, एक्सटर्नल टॉर्क ने, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क कितना होगा, पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल, तो फाइनल कितना भाई, जीरो माइनस इनिशियल कितना बेटा, माइनस का एम बी। तो सोल्व करोगे तो वर्क डन आ जाएगा प्लस का एम बी, और आप तो आपको तो एम बी दे रखा है, बी भी दे रखा है, दोनों रख दो भाई आपके पास वर्क डन आ जाएगा पहला पार्ट, ठीक है। वापस से क्वेश्चन सुनिए, शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला इज प्लेस अलोंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.02 टेस्ला, ठीक है। हाउ मच वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इफ इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। दूसरा पूछा कि अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करता तो कितना वर्क करना पड़ता, यानी मैं इसको ये इधर से यू करता फिर यू कर देता ना पूरा 180, तो 180 करते तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो नहीं होती, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 180 कितनी हो जाती बेटा, प्लस का एनर्जी कितना हो जाता, प्लस का एनर्जी हो जाता, तो वर्क डन कितना करना पड़ता, ये जीरो पे है, ये 90 पे है
और ये 180 पे है। तो 0 से 90 पे करोगे तो भाई फाइनल माइनस निकाल कर दिया आपने, और अगर 0 से 180 पे किया तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, पी फाइनल कितना प्लस का एनबी, जो पहले कितना था 0 थे पहले वाले केस में, माइनस माइनस का एनबी, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 2 एनबी आ जाएगा। क्या देखो एम और बी दे रखा है 2 से मल्टीप्लाई, यानी जो इसका आंसर आएगा इससे जस्ट डबल इसका आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट ये था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में शॉर्ट बार मैग्नेट अलाइन है, उसको 90 डिग्री पर रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और उसको 180 डिग्री तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा। अच्छा जी, दूसरा इसका जो पार्ट है ये बोला इन दोनों ही केस में थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 180 में इस पे टॉर्क कितना लगेगा, दोनों केस में टॉर्क पूछा। तो टॉर्क निकालना है आपको, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू 90 है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो हो जाएगी एनबी, साइन 90 वैल्यू 1, और जब थीटा की वैल्यू 180 है तो ये तो आपको जानते हैं सर टॉर्क दो ही केस में तो 0 होता है 180 और 90 में, तो सेकंड पार्ट का आंसर तो आपका 0 आ जाएगा टॉर्क की वैल्यू, और फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा एनबी। एम और बी आपको दे रखे हैं बेटा, सिर्फ रखनी है वैल्यू और मल्टीप्लाई करना है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगर एक शॉर्ट बार मैग्नेट है और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट दिया वो दिया 0.48 जूल पर टेस्ला। ये मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट थी उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है। अब आपसे पूछा इस मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और 10 सेंटीमीटर कहां पे लगाना है, एक बार ये 10 सेंटीमीटर लेना है एक्सिस पे और एक बार ये लेना है इक्विटोरियल एक्सिस पे, यानी कुल मिलाकर जैसे ये बार मैग्नेट है तो आपको 10 सेंटीमीटर इधर मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, फिर 10 सेंटीमीटर इधर मैग्नेटिक फील्ड लगाना है। चलो जी अब इतना मैं जानता हूं, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड हुआ बी तो सेम डिस्टेंस पे इधर होगा बी बाई टू, इतना मैं जानता हूं, एक्सिस और इक्विटोरियल एक्सिस पे रेशियो क्या रहता है 2 का। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड बी हुआ तो इधर तो सिंपल बी बाई टू हो जाएगा, तो आप एक जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए यहां पे बी। अच्छा यहां पे कितना होता है बेटा बी वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यू, एक्सिस पे है तो 2 kp अपॉन आर क्यू होता था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो भाई अब वैल्यू रख दो 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई पूरे कॉन्स्टेंट की 10^-7, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो दे रखा है यस सर 0.48 एम अपॉन आर क्यू, आर कितना दे रखा है 0.1 मीटर। क्या इसको आप सोल्व कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई बेटा बी की, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका जो भी आंसर आया उसका हाफ कर दीजिए, ये आपके इक्विटोरियल एक्सिस पे क्या जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है निकालेंगे, तो आपको क्या दिया था बेटा क्वेश्चन, कह रहा है ए शॉर्ट बार मैग्नेट हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज 0.48 जूल पर टेस्ला, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट ऑन द ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन इट्स इक्विटोरियल एक्सिस। तो फॉर्मूला लगाइए सब कुछ आपको दे बेटा, एम की जरूरत है आर की, और एम और आर दोनों दे रखे हैं बेटा, वैल्यू रखिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बी बाई टू, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट बेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.25 × 10^-2 जूल पर टेस्ला, ये बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 5.25 × 10^-2 टेस्ला। ठीक है अच्छा, जिस जगह पे बार मैग्नेट रखी है ना वहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको कितनी 0.52 शायद है ना 0.42 गॉस, 0.42 गॉस। ठीक है, और इस जगह पे एंगल ऑफ जो आपका डिक्लिनेशन है वो दे रखा है आपको 0, यानी डेल्टा की वैल्यू आपको दे रखी है 0, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है ना डी से लिख देता हूं ये दे रखा है 0। तो जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है
ये बार में लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एस है, ये आपका एन है, तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, एम के। और जो इक्वेटोरियल एक्सिस पे है, एम की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, इक्वेटोरियल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी भैया माइनस एन के। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आते हैं बार मैग्नेट के द्वारा, ये बी की डायरेक्शन है। और इन्होंने बोला अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, ऐसे हर जगह अर्थ का सेम रहेगा, ओके, या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो वो दो कारणों से होगा, एक तो मैग्नेट के कारण और एक दूसरा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ओके। तो इन्होंने बोला कितनी डिस्टेंस पे, यहां से कितनी डिस्टेंस पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री का एंगल बनाएगा विद द एक्सिस, या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री का एंगल। ऐसे यहां पे पूछा इक्विटोरियल एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे, मान लो ये डिस्टेंस है आर वन, कितनी डिस्टेंस पे ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 एंगल बनाएगा, कौन, नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आसान सा सवाल है, कोई खास बात नहीं, देखो लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, बात याद, एक शॉर्ट बार में हिट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है, ठीक है। इस जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो अवेलेबल है वो है 0.42 गॉस, कितना है 0.42 गॉस। और ये जो मैग्नेट है ना, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, परपेंडिकुलर रखी हुई है। चलिए तो इसने बोला इसके एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। सेम ऐसे बोला कि इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। अच्छा 45, इन दोनों का नेट 45 एंगल पे आ रहा है 45, यानी देखो दो वेक्टर का रिजल्टेंट बीचों-बीच कब आता है, जब दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आता है। अच्छा जी, यानी इसका मतलब बी नेट इनके बीचों बीच तब आ सकता है जब बी और बी की वैल्यू बराबर हो जाए, बोलिए सही है। तो बेटा देखो बी ई बराबर बी, इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यूब। क्या आपको ये दे रखा है, यस सर दे रखा है, 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई पता है, यस सर, एम की वैल्यू दे रखी है, यस सर। तो यहां से क्या निकल आएगा बेटा, आपके पास आर निकल आएगा, देखो ये आपको निकालना है ना, कैसे निकाला आपने, मुझे पता है कि 45 डिग्री का एंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से तब बनाएगा जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट के द्वारा डेवलप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगी। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ बराबर कर लीजिए, तो इसकी स्ट्रेंथ तो आपको दे रखी है, इसकी स्ट्रेंथ 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम बाय आर क्यूब, एम दे रखा है, म्यू नोट पता है 4 पाई 2 बी, आपके पास क्या निकल जाएगा बेटा, इधर से आर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा आर। सेम ऐसे यहां पे मान लीजिए आर वन डिस्टेंस पे ऐसा हुआ कि 45 एंगल था, तो इसका मतलब ये दोनों फिर से बराबर हो गए होंगे, तो बी बराबर यहां पे जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर वन का क्यूब, बोलो सही है क्या। अच्छा जी मैं तो कह रहा हूं सिर्फ यहां से आर निकाल लो, आर वन तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, यहां से क्या निकाल लिया भाई आपने, आर की वैल्यू निकाल ली, ओके। दोनों इक्वेशन को या तो डिवाइड कर लेना या बी की वैल्यू यहां पे उठा कर, तो यहां से समझो आपने आर निकाल लिया क्योंकि बाकी सब कुछ आपको गिवन है। अगर यहां से अगर आपने आर निकाल लिया तो समझिए आर वन निकालने के लिए आपको दोबारा से ये कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, यहां से बी की वैल्यू इसके बराबर, यहां पे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू ये उठा के यहां पे रख दो, तो कितना हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम बाई आर वन क्यूब is equal to 2 mu naught upon 4 pi m by r cube। तो देखो ये सब कुछ तो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका जो r1 cube आएगा वो आएगा r cube by 2 और r1 की वैल्यू आएगी r by 2। समझ में आया क्वेश्चन, देखो ये r डिस्टेंस है, ये r1 डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, ये कितनी है आर वन डिस्टेंस है ना। क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड था वो अर्थ के बराबर था, और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर था, अर्थ के बराबर ही था। यानी अगर एक्सिस पे डिस्टेंस आर है
आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्विटोरियल एक्सिस पे आर अपॉन 2^1/3 डिस्टेंस पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे एक मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और बोलूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, सिंपल सा देखो वन लाइनर क्वेश्चन, मैंने कहा आपसे एक बार मैग्नेट है, अगर उसके एक्सिस पे 14 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इक्विटोरियल एक्सिस पे कितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बी ही हो जाएगा। मैंने कहा उसके एक्सिस पे 14 सेंटीमीटर की सेंटर से 14 सेंटीमीटर शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोला एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, उसके एक्सिस पे उसके सेंटर से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इक्विटोरियल एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे होगा ये आपसे पूछा। तो आपको पता है सीधा सा रिलेशन पता होना चाहिए, इक्विटोरियल एक्सिस पे जो डिस्टेंस होती है सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो होती है जो एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है अपॉन 2^1/3, पिछले क्वेश्चन में प्रूव भी किया था, बात समझ में आई। अच्छा जी, तो मैं सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पे 14, यहाँ पे डिस्टेंस 14 हो तो मैग्नेटिक फील्ड आधा होता है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे कितना होगा बी बाई टू अगर डिस्टेंस इक्वल है तो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो इक्विटोरियल एक्सिस पे जो डिस्टेंस होती है वो इस दिस डिस्टेंस जो एक्सिस पे डिस्टेंस है उसके अपॉन 2^1/3 होती है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक है। बाकी चैप्टर न्यूमेरिकल वाइज एंड थ्योरी वाइज दोनों वाइज बेटा आपका फिनिश हो चुका है, मेन मेन जो इसके बेसिक क्वेश्चन है वो अपन कर चुके हैं, दो तीन इसके और अच्छे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं और परसों से अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।